हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या फ्रॉड होने वाला था और किस तरीके से मुझे बच गई या नहीं बची, वो आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने पूरे दिन का शेड्यूल बताती हूँ कि हमें क्या करना है और कहाँ जाना है आज, और क्या खरीदने जाना है या क्या करने जाना है। तो आज हमारा शेड्यूल है, आज मेरा सारा काम हो गया है और बस मैं अभी नहा के आई हूँ। नहाने के बाद पता नहीं अचानक मुझे कुछ सर्दी हो गई है, अचानक ही मतलब जो थोड़ी देर की सर्दी होती है ना वो हो गई है और मेरी नाक ना एकदम से बंद हो गई है और गला भी एकदम ख़राब है। तो अभी मौसम भी थोड़ा सा मतलब चेंज हो रहा है तो उस वजह से भी हो सकता है, तो बस ये थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। तो अभी मैं नहा भी लिया है और शाम को हमें क्या करना है, मतलब अभी सारा काम मेरा हो गया है और उसके बाद मैं नहा के पूजा वूजा करके बस अब मैं फ्री हो गई हूँ। और शाम को हमें जाना है डिनर पे, और एक वो भी मतलब एक हमें जाना है कैरेट लेन पे। तो कैरेट लेन से देखते हैं मतलब कुछ पसंद आएगा तो हम लेके आएंगे, एक दो चीज़ें हमने सोची हुई है, तो अगर कुछ पसंद आ गया तो लेके आएंगे, तो फिर मैं घर आके आपको दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ शायद वो पता नहीं वीडियो अलाउड है नहीं है, तो फिर मैं सीधा आपको घर आके दिखाऊंगी। तो और उसके बाद हम मतलब डिनर करने जाएंगे, तो पहले तो हम डिनर करने जाएंगे और कैरेट लेन पे देखते हैं, अगर टाइम मिला तो फिर जाएंगे। तो मैंने अभी आपसे बोला था ना कि मेरे साथ फ्रॉड होने वाला था, तो वो क्या होने वाला था, हमने ना OLX पे ये सोफे डाले हैं जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना, इसकी पिक डाली हुई है क्योंकि हमें नया मतलब नए घर में जाना है, एक आध महीने बाद हमें जाना है नए घर में, अभी उसका काम चल रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि ये थोड़े से मतलब अच्छे नहीं हैं, थोड़ा सा हमें वहाँ नया लेना है, नए डिज़ाइन में लेना है, तो इसलिए हम इनको सेल करना चाह रहे हैं। कंडीशन तो बहुत अच्छी है लेकिन हमें इसको सेल करना है, तो इसकी पिक हमने लेके और डाल दी। तो जैसे ही हमने डाल दी ना, थोड़ी देर बाद उस पर जो OLX पे चैट का जो होता है ना, तो उसमें चैट शुरू हो गई कि आप बेच रहे हो तो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दो, मैं फर्नीचर वाला हूँ। और उसकी कॉलर आईडी मैंने कॉलर आईडी से मतलब उसका जो फ़ोन आया ना, तो मेरा जो ट्रू कॉलर है तो उसमें भी यही आ रहा था ये फर्नीचर वाला है। तो उनने ऐसे सेट भी करके रखा है कि ये फर्नीचर वाला है, तो मुझे लगा कि कोई फर्नीचर वाला है। तो फर्नीचर वाले क्या करते हैं कि ये सामान खरीदते हैं अगर उनको ठीक लगता है और उनको अच्छा सा मतलब नया लुक देके और दोबारा उनको रीसेल कर देते हैं, तो उसमें से अपना पैसा उनका अच्छा खासा बन जाता है। तो मुझे पहले से ये पता था कि फर्नीचर वाले भी बहुत सारे लोग खरीदते हैं, जो घर के लिए भी खरीदते हैं लोग, लेकिन फर्नीचर वाले भी बहुत सारे खरीदते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ किसी को ज़रूरत होगी फर्नीचर वाले को, तो मैंने ना नंबर भी दे दिया और फिर उनका कॉल आया कि मैम आप कितने में बेच रहे हो। तो मैंने बोला जो प्राइस मैंने लिखा हुआ है उतने ही मैम हमें बेचना है। तो उन्हें बोला कि थोड़ा सा आप कम कर सकते हो, तो मैंने बोला चलो ठीक है 1000 रुपीज़ हम कम कर लेते हैं। तो मैंने बोला आप देखने आ जाओ और देखने के बाद आपको ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। तो बोलता है नहीं मैं 5 साल से फर्नीचर का काम कर रहा हूँ, मेरी शॉप है, उसने भी सेम यही बताया कि मेरी शॉप है और मैं ना फर्नीचर खरीद के उनको वो थोड़ा सा अच्छा वो करके, जैसे जहाँ से ख़राब है या फिर कपड़े वपड़े चेंज करेंगे नया करके फिर उनको रीसेल कर देते हैं। तो वो सेम ये चीज़ वो बोल रहा था कि ये करते हैं। तो नहीं मैं फोटो देख के ही मुझे पता चल जाता है मेरा 5 साल से है। तो मैंने उसको एक दो बार रिक्वेस्ट की कि आप घर आ जाओ देख लो। तो फिर वो बोला कि आप कितने दिन में दोगे, तो मैं हमें तो वैसे 1 महीने बाद जाना, तो मैंने उससे बोला कि आप 15-20 दिन में ले जाना। तो बोलता है नहीं इतने दिन में नहीं, मुझे तो फिर अभी चाहिए, 1-2 दिन में ही चाहिए। तो मैंने बोला 1-2 दिन में तो हम नहीं देंगे, फिर भी आप 1 हफ्ते बाद अगर चाहिए तो आप ले जाओ। तो उसने बोला ठीक है मैम। फिर उसने बोला कि आप ना उस पर सोल्ड आउट कर दो OLX पे और उसने मतलब थोड़ा सा और पूछा कि आप कुशन है इसमें ये चीज़ें हैं, मतलब थोड़ी सी बातें और पूछी कि कबर है उसका, कंडीशन कैसी है, कितने साल पहले लिया था, ये वो मतलब और भी बातें पूछी। तो फिर मैंने उसको जो पूछ रहा था मैंने उसको बता दिया कि हाँ ठीक है। हाँ फिर उसने बोला कि आप सोल्ड आउट कर दो, तो मैंने बोला कुछ आप एडवांस ट्रांसफ़र कर दो तो उसके बाद फिर मैं सोल्ड आउट कर दूंगी इस मतलब इसके लिए। तो
तो उसने मुझे लगा कि चलो 1000 रुपए ये कम से कम वो करेगा कि हाँ चलो ठीक है मैम, मैं 1000 रुपए दे देता हूँ या 500 रुपए दे देता हूँ कि चलो मेरी डील ना पक्की हो गई। थोड़ा सा पैसे से होता है कि डील पक्की हो जाती है, तो मुझे ये लगा कि चलो 1500 रुपए देगा। लेकिन बोला उसने ना 50% कि आप इतना पैसा ले लो और 50% ले लो, और आप ना 50% जब मेरे लोग उठाने आएंगे, बंदे उठाने आएंगे तो तब आप ले लेना। मुझे लगा भाई 50% एकदम से, मतलब इतने जल्दी 50% भी देने लगा, ना इसने देखा ना कुछ किया। तो मैंने बोला ठीक है मेरे पेटीएम पे ट्रांसफर कर दो। पेटीएम तो वैसे ही मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, पर मेरे नंबर पे पेटीएम है, मैं गूगल पे ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, UPI। हाँ तो फिर मैंने उससे बोला कि चलो ठीक है पेटीएम पे ट्रांसफर कर दो। तो उसने मुझे एक QR कोड दिया और बोलने लगा कि आप QR कोड पे ना ये रिसीव कर लो मनी। तो मैं तो इतना यूज़ नहीं करती, तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने बोला मुझे नहीं आता, तो बोलता मैं बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है। तो मुझे तो ऐसे मतलब इतना तो हम जानते हैं भाई, सामने वाला बता रहा है, तो जब हमें नहीं आ रहा और सामने वाला जिसको हम जानते भी नहीं है वो बता रहा है, तो उसकी हम कैसे सुन लें। तो उसने ना बोला कि ठीक है मैम आप ना अपना वो चेक कर लो, पैसे चेक कर लो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो ये 2 रुपए भेज रहा हूँ, अगर आपके अकाउंट में आ जाएंगे तो फिर आपको और जो रुपए थे वो भेज मतलब वो रिसीव कर लेना। तो मैंने ना ठीक है 2 रुपए में क्या है, या जाएंगे या आएंगे। तो 2 रुपए मैंने किए, तो पहले तो क्रेडिट हो गए 2 रुपए। तो उसने बोला कि बस वो करो, मेरे पास पूरा स्टेटमेंट, जैसे अकाउंट खोलते हैं पूरे स्टेटमेंट में हमेशा चेक करते हैं कितने रुपए कटे कितने रुपए आए। तो दे मेरे ना 2 रुपए कट गए, और उसने फटाफट 2 रुपए डाल दिए, फिर 2 रुपए डाल दिए, 4 रुपए डाल दिए, क्योंकि 2 रुपए तो वैसे ही कम हो गए तो फिर 4 रुपए डाल दिए। तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो टोटल मनी थी उसमें से 2 रुपए मतलब प्लस हो गए। आपको समझ में पता नहीं आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा कि मेरे मेरी ना टोटल मनी में ना 2 रुपए प्लस हो गए। उसने बोला था कि ये 2 रुपए, तो उसका मतलब ये था कि जो मैंने QR कोड भेजा है उससे आपके जो 2 रुपए थे वो आ गए। तो ऐसी जो 50% मनी है वो आप ऐसे ही रिसीव कर लो। तो मुझे तो डाउट था, फिर मैंने बोला कि चलो मैं किसी और से आपकी बात कराती हूँ, मुझे ये सब नहीं आ रहा, आप किसी और से बात करो। तो मैंने मेरी मतलब मेरी बेटी है, तो उसको भी मैंने उसको बोला कि आप ना इनसे बात करो, मैं मुझे पेटीएम ना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, मुझे समझ में नहीं आता, तो आप इससे बात करो। तो बोल रहा है कि नहीं मैम आप क्यों उनसे बोल रहे हो, जो ऐसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर तो लो, इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि जैसे सामने वाला बता रहा है वैसे हम कर लेंगे। नहीं मैम वो एक दो बार मना भी कर रहा था, जल्दी आप करो मेरे पैसे भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या बहाने बना रहा था, आप जल्दी जल्दी कर लो जल्दी जल्दी कर लो ये वो। तो मैंने उसको मतलब मेरी बेटी को ना कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लिया, तो उसने भी बातें की, तो उसको भी लगा कि ये फ्रॉड है। फिर उसने मुझे मैसेज करके देख लिया कि मम्मी आप ना इससे छोड़ दो और इसको ना कुछ देना मत, अपना मतलब अकाउंट नंबर ये वो, अकाउंट नंबर तो देती नहीं किसी को भी नहीं देती मैं अपना अकाउंट नंबर, मुझे ये सब ना फ्रॉड होते हैं ना, मैं ऐसे मतलब ये अकाउंट और अकाउंट नंबर नहीं देती। बस उसके पास जैसे नंबर था तो मैंने बोला पेटीएम कर दो, बस नंबर से ही उसे पेटीएम के लिए बोला था मैंने। तो बोली थी कि आप उसको कुछ मत देना और उसका फोन कट कर दो, और वो ये फ्रॉड लग रहा है। तो बस वो बाद में पता चला कि वो फ्रॉड ही था, और वो ना ऐसे मतलब लोगों के पैसे ऐसे मतलब रिसीव करते, मतलब OLX पे भी फ्रॉड चलता है। अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो आप थोड़ा सतर्क होके बेचें। मेरे कहने का मतलब ये था कि मतलब आपको कितना समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, मैंने अपनी तरफ से पूरे समझाने की कोशिश की है। तो मेरा मतलब ये है कि मतलब आपको हर जगह फ्रॉड मिलेगा, OLX पे भी फ्रॉड मिलेगा, मतलब आपको हर जगह आपको सतर्क रहना पड़ेगा, कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, कोई भी अपना अकाउंट नंबर नहीं देना है या कुछ भी नहीं देना है, सामने से अगर कोई मांग रहा है तो वो नहीं देना है। तो बस थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है और अपने फ्रॉड से आप बच जाओगे। तो
नहीं तो आजकल फ्रॉड तो हट के ही हो रहा है। तो ये था मेरी मतलब जो फ्रॉड होने का वो था स्कैम, मतलब मेरे साथ होने वाला था उससे मैं बच गई हूँ। और बस मैंने इसलिए सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ, तो लोगों को थोड़ा सा, जैसे हम किसी का सुनते हैं तो हमें भी थोड़ा माइंड में हमेशा रहता है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो चलो आज बस मैं आपको शाम को मिलती हूँ, क्योंकि शाम को मैंने बताया था डिनर पे जाना है और कैरेट लेन भी जाना है। तो सबसे पहले अगर ज़्यादा लेट हो गए तो डिनर के लिए जाएंगे, और उसके बाद कैरेट लेन पे खुला होगा तो कैरेट लेन पे जाएंगे। तो चलो फिर मैं शाम को मिलती हूँ रेडी होके। तो अभी हम लोग रेडी होके बैठे हुए हैं और मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, क्योंकि उनको आने में ना थोड़ा सा लेट हो गया, अभी वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो अभी 10-15 मिनट और लग जाएंगे। तो मतलब अगर ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं ना तो हमेशा ट्रैफिक मिलता है। तो अभी 7 बज रहे हैं शाम के, तो इस टाइम तो वैसे ही सब ऑफिस का टाइम होता है छूटने का, तो फिर इतना ट्रैफिक होता है। वैसे ही इनको ना आने में मतलब ये 9 बजे के आसपास ही आते हैं, तो 9 बजे के बाद आते हैं तो इतना ट्रैफिक नहीं होता, खाली सड़क होती है। लेकिन अगर 6 बजे आए 7 बजे तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, तो इनको 10-15 मिनट, मैंने अभी बताया कि 10-15 मिनट लगेंगे, तो 10-15 मिनट बाद फिर हम निकलेंगे। तो अब हम बस निकल गए हैं, थोड़ा तो लेट हो गए हैं, तो देखते हैं क्या क्या काम हो पाते हैं, कि बस हम लौटते टाइम डिनर करके ही आ जाएंगे और कुछ काम हो नहीं पाएंगे, तो देखते हैं। तो ये मैंने लॉक भी लगा दिया है और बस अब हम आधी दूर तो पहुंच ही गए हैं, ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रात को ना बहुत लेट हो गया है, 8 बज गए हैं, तो इसलिए ट्रैफिक भी नहीं है, एकदम खाली खाली सड़कें हैं, तो ज़्यादा रात को वैसे ही इतनी खाली सड़कें होती है। और ये अभी तक सबकी लाइटें लगी हुई हैं, इतने अच्छे से डेकोरेट है अभी तक, और हम मार्केट पहुँच भी गए हैं। तो कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं, तो जहाँ देखते हैं जहाँ जगह मिलेगी तो वहाँ गाड़ी खड़ी कर लेंगे, क्योंकि मार्केट में पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है, मिलती ही नहीं है। अभी हम लेट पहुँचे हैं इसलिए हमें पार्किंग मिल गई है, और हम खाना खाने जा रहे हैं, तो ये QD है, तो इसमें हम खाना खाएंगे, तो रेस्टोरेंट में बैठ भी गए हैं। और इससे पहले हमने जो कैरेट लेन से ख़रीदना था वो ख़रीद लिया है, मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। घर तो पहुँचते बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन मैं कल आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने क्या ख़रीदा है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी था ना, तो टाइम नहीं था इतना, क्योंकि हम बहुत लेट भी हो गए थे तो टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो अब कल ही मैं आपको दिखाऊंगी, और अभी भी बहुत लेट हो गया है। अभी हमने खाना ऑर्डर किया है, प्रॉपर खाना तो नहीं है, बच्चों को कुछ कुछ दूसरी दूसरी चीज़ें खानी होती है, जैसे पिज़्ज़ा है, स्नैक्स में कुछ है, तो वो चीज़ें खानी होती है, तो प्रॉपर खाना ऑर्डर नहीं किया है। तो मेरी बेटी को लगा कि बस ऐसे ही वीडियो चल रहे हैं, तो मैंने बोला मैं ब्लॉग बना रही हूँ, अगर आपको मैं दिखाऊंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो बोली थी मैं दिखाना, फिर भी मैंने आपको थोड़ा दिखा ही दिया। ये हमने सेक मंगाया है, तो सेक ये बहुत टेस्टी था, बहुत यमी भी था, तो हमने बस दो सेक बनाया, दो दो लोगों ने शेयर किया, क्योंकि ये हैवी होता है ना। और ये हमने स्नैक्स मंगाया, ये भी बहुत टेस्टी था, और ये पिज़्ज़ा भी मंगाया है, तो इसका खाना ना बहुत टेस्टी है और बहुत यमी है। किसी से हमने सुना था तो उन्हें बताया था कि ये वाला इसका खाना ना बहुत अच्छा है, तो इसके बाद हमने कुछ और एक डिश और ऑर्डर की है, तो वो भी अभी आने वाली है, तो पहले हम ये खा लेते हैं, उसके बाद हमने बोला कि थोड़ा सा रुक के वो वाली डिश लेके आना, क्योंकि फिर वो इकट्ठा रख देते हैं ना, फिर ठंडा हो जाता है, तो इसलिए हम ये वाला ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा आएगा। तो बस हमारी जो बातें हैं वो चल रही हैं, डिस्कशन हो रहा है, ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर जो नॉर्मल डिस्कशन है वो चल रहा है, और हम खाने को इंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी डिश भी आ गई है, तो हमें लोगों को ज़्यादा भूख तो नहीं थी, पर फिर भी हमने इतना सारा कुछ मंगा लिया और धीरे धीरे करके खा भी लेंगे। अब हम घर के लिए निकल गए हैं, और अभी 11 बज रहे हैं, पहुँचते पहुँचते 11:30 बज जाएंगे, तो इसलिए मैं घर में तो अब ब्लॉग बना नहीं पाऊंगी, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे। तो हेलो गाइस, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि कल बहुत लेट हो गया था, आते आते ना बहुत लेट हो गया था, तो अभी दूसरा दिन है, मॉर्निंग है, तो मेरा
सारा काम वैसे ही खत्म हो गया, तो बस मुझे आपको दिखाना था कि मैं कैरेट लेन से क्या लेके आई हूँ। वैसे ही ब्लॉग इतना लंबा हो गया है तो अब ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बस आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या लेके आई हूँ। और हमें मतलब सिंपल सा कुछ चाहिए था, वैसे ही आप कैरेट लेन में तो आपको पता है कि मतलब स्लीक सा छोटा सा अगर कुछ चाहिए तो वो आराम से मिल जाता है। रिंग चाहिए आपको, छोटी छोटी रिंग चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर लेके चाहिए तो छोटे छोटे बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे लड़कियों के लिए होता है ना, अगर लड़कियां जैसे हैवी हैवी नहीं पहनती है, तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये देखिए मैं लेके आई हूँ, अभी मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। वैसे ही इसकी पैकिंग देख सकते हैं, इसका बॉक्स मतलब इसका जो बैग है कितना अच्छा बनाया, कितना सुंदर बनाया हुआ है। तो और कलर भी बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर कलर तो सबसे पहले मैंने इसका बॉक्स निकाल लिया है और अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये हम पतली सी चेन लेके आए हैं, मेरी बेटी को चाहिए था ये चेन तो उसके लिए लेके आए हैं। और उसको एक पेंडेंट चाहिए, तो उस पे तो पेंडेंट वैसे ही थोड़े डायमंड के होते हैं, पर छोटे छोटे पेंडेंट ना बहुत सारे थे। और अभी मतलब इतना ज़्यादा एक पसंद नहीं आया था, तो हमने सोचा कि चलो बाद में हम ले लेंगे। तो अभी तो हम ये चेन लेके आए हैं, जो आजकल जो बच्चों के लिए नहीं है, गर्लिश चेन जो बिल्कुल पतली होती है और पहनने में भी सुंदर लगती है। लड़कियां जब पहनती है ना तो उनको बहुत सुंदर लगती है। तो ये चेन है और एक छोटा सा पेंडेंट भी अभी लेके आना है। तो अभी हमने एक डिज़ाइन दिखाया था ऑनलाइन, कैरेट लेन में ऑनलाइन था, लेकिन वो स्टोर पे अवेलेबल नहीं था। तो उन्हें बोला कि ये थोड़े दिन में आ जाएगा, तो फिर हम जब वो आ जाएगा तो हम उसको फिर लेने जाएंगे। तो पेंडेंट भी छोटा सा हो जाएगा और ये चेन भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ तक आएगी और ये पेंडेंट हो जाएगा, तो बहुत सुंदर लगेगा। और वैसे ही कैरेट लेन का तो वैसे ही इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।